जिला बलरामपुर विकास खंड बलरामपुर ग्राम सभा बेलवा बीनोहनी की जनता ने रोड निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के पति बाबा दीन से जब बात हुई तब उन्होंने बताया कि 20 वर्ष पूर्व ये रोड की पटाई पीडब्ल्यूडी विभाग से हुई थी, फिर उसके बाद कभी किसी अधिकारी ने ना ही डामर करवाया और ना ही इस पर कोई कार्य किया गया। 2-3 विधायकों से भी हम लोगों ने कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जब कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था कि गड्ढा मुक्त रोड हम कर देंगे, लेकिन देखा जाए तो जमीनी स्तर पर यहाँ कुछ और ही दिख रहा है। गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त नजर आ रहा है। जब यहाँ की भोली भाली जनता से वोट लेने का समय आता है तो उनसे बड़े बड़े रोड के वादे किए जाते हैं और वोट ले लिए जाते हैं। इस बारिश के मौसम में हम लोगों को रास्ते से निकलने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय समाचार चैनल से हम आए हुए हैं बेलवा बिनोनी ग्राम सभा में, जो कि पीडब्ल्यूडी रोड पर हम खड़े हुए हैं और गांव की जनता जो है अत्यंत परेशानियों से उसे जूझना पड़ता है और इस परेशानियों का सामना हर बारिश हर मौसम में लगभग कितने वर्षों से आप लोगों को परेशान होना, कम से कम 20 साल से रोड पटा हुआ, 20 सालों से पटा हुआ, ये लोग परेशान हैं और इस समस्या से झेल रहे हैं। आइए प्रधान जी से थोड़ी बहुत जानकारी लें। प्रधान प्रतिनिधि हमारे समक्ष खड़े हुए हैं बाबा दीन जी। जी, क्या ये रोड कितने वर्ष पहले बना था? ये 20 वर्ष पहले बना है। 20 वर्ष पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से बना हुआ है, फिर उसके बाद इस पे कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, ये डामर बनी थी? नहीं, कुछ नहीं, 20 साल पहले डामर बनी कुछ नहीं थी, चकरोट क्या क्या कच्ची पाट दिए और तब से यहीं से अलग डामर है। कितनी जनता का आगमन है? लगभग हम पूरा गांव, जो हमारे गांव में जितना जनता है, कितने गांव को, 5-6 बेलवा बिनौनी से होते हुए बिनौनी समदा सिंगाही हम लोग का यही आना जाना है। कितनी पब्लिक आती जाती? अब लगभग 2-4-6 हजार पब्लिक डेली आती जाती है। 6-7 हजार पब्लिक हमेशा आवागमन इस रोड पर है और फिर भी अभी तक ना किसी नेता के आंखों से दिख रहा है और ना ही कोई अधिकारी यहां पर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मस्त हैं, व्यस्त हैं और क्या विकास कर रहे हैं वो देखना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।